आप देख रहे हैं न्यूज़ सेल इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। जिस तरह से डिसेबल जो लोग होते हैं उनके लिए स्पेशल कुछ स्कीम्स रखी जाती हैं, पेंशन रखी जाती है, या अगर कोई गवर्नमेंट जॉब्स भी करते हैं उनके लिए भी कुछ सहूलियतें जो हैं वो रखी जाती हैं। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करता है उसको नियरेस्ट जो प्लेसेस रहते हैं, जो ऑफिसेज रहते हैं, वहाँ पे उनकी ड्यूटीज़ लगाई जाती है ताकि डिसेबल पर्सन को जो है ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। वहीं अगर बात करें हम डिस्ट्रिक्ट डोडा की, डिस्ट्रिक्ट डोडा से यहाँ पे हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है सर्विसेज अपनी दे रहे हैं, और उनके साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उनकी जो सर्विसेज है किस तरह से ले रहा है, और वो भी एक डिसेबल पर्सन है, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक अहमद है। एज ए हेड टीचर मैं गवर्नमेंट UPS नियोटा में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो पोस्ट है वो हायर सेकेंडरी स्कूल कोटी में एज ए लीन के तौर पर रखी गई है। जहाँ तक सैलरी का मसला बना है, सैलरी हासिल करने के लिए मुझे ZDO में हमसे काउंटर साइन करना पड़ता है, और मुझे वो हायर सेकेंडरी कोटी में देना पड़ता है वो अपनी अटेंडेंस, उसके बाद मेरी सैलरी ड्रा होती है। बीइंग ए हैंडीकैप्ड, जब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एक आर्डर निकालती है कि हैंडीकैप्ड को उनके होम लोकेलिटी इनको अपॉइंट किया जाए, हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटीज़ यानी डायरेक्टर मैम से भी मैंने रिक्वेस्ट की, उनसे भी मिला, ऑफलाइन भी दी मैंने, ऑनलाइन भी रिप्रेजेंटेशन दी, हैं, तब भी मेरी ट्रांसफ़र नहीं हुई। यहाँ ट्रांसफ़रें उनकी हो रही हैं जो ABC वाले हैं, अप्रोच बैक और कैश जिनका चलता है उन्हीं की ट्रांसफ़रें होती हैं। और इस बार भी मैंने गवर्नर साहब को भी एक ग्रीवेंसी सेल में एप्लीकेशन लिखी कि मेरी ट्रांसफ़र इस बार भी नहीं हुई, और गवर्नर साहब ने डायरेक्टर मैम को मेरा केस फॉरवर्ड किया, और डायरेक्टर मैम के जॉइंट डायरेक्टर ने गवर्नर साहब को लिखा कि इसकी ट्रांसफ़र ज़रूर हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी ट्रांसफ़र नहीं की। इवन देन 13 ट्रांसफ़र्स उन्होंने की डिस्ट्रिक्ट डोडा में, लेकिन तब मेरी ट्रांसफ़र नहीं की। वो कौन लोग थे जिनकी ट्रांसफ़र हुई? वो हाईफाई जिनके जो ABC वाले जो हैं, अप्रोच बैक एंड कैश वाले, उन्हीं की ट्रांसफ़रें होती हैं। और अब अगर मैं बताऊं, ट्रांसफ़र उनकी होती है जो DC की बीवी हो, लेक्चरर्स की बीवी हो, इंजीनियर्स की बीवी हो, उनकी ट्रांसफ़रें होती हैं, बैंक मैनेजर्स की बीवी हो, उनकी ट्रांसफ़र, लेकिन जो एक विकलांग है, जो एक हैंडीकैप्ड है, उसको कोई नहीं पूछता है। हालांकि गवर्नमेंट का आर्डर बना हुआ है, चल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का आर्डर हुआ। अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे महले में इस वक्त भी पोस्ट खाली है। मैंने मैडम से रिक्वेस्ट भी की, परसों भी मैं गया मैडम के पास, बोलती इस बार मैं आश्वासन देती हूँ आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन मैं वो उस आश्वासन के मद्देनज़र रखते हुए मैं अभी भी मुझे उस पर यकीन है मैडम पर, क्या इस बार करेगी, नहीं किया तो मुझे सड़क पर उतरना पड़ेगा, और मैं इसके लिए क्या दिक्कत आ रही है आपको, कितना दूरी पे वो आपका स्कूल है जहाँ पे अभी आप जो है ज्वाइन किया हुआ है आपने, क्या दिक्कत आती है आपको? मेरी दिक्कत ये है कि मुझे घर से 25 किलोमीटर जो पहले ड्यूटी जाना पड़ता है, गाड़ियों का मसला है, गाड़ी वक्त पर मिलती है नहीं मिलती है। अच्छा, उसके बाद जब महीना ख़त्म हो जाता है और मुझे वो अपना क्या बोलते हैं अटेंडेंस लेनी पड़ती है, उसके बाद मुझे जाना पड़ता है ZDO में उनके पास 30 किलोमीटर पर, उसको वहाँ से मैं काउंटर साइन करवाता हूँ, काउंटर साइन करने के बाद मुझे अपने प्रिंसिपल के पास हायर सेकेंडरी कोटी जो 45 किलोमीटर दूर है उसको देना पड़ता है, तब तक मेरी सैलरी ड्रा नहीं होती है। जी, कब से दिक्कत आ रही है वो? ये कंटिन्यूसली ये मुझे 5 सालों से मैं इसके पीछे पड़ा हूँ कि मेरी ट्रांसफ़र करो, लेकिन इन्होंने क्या किया, मेरा लीन शिफ्ट कर दिया। अब तीसरा साल जा रहा है, मेरा लीन शिफ्ट कर दिया इन्होंने हायर सेकेंडरी कूटी है। मतलब आपको ज़्यादा हरास किया गया है, बस मतलब सहूलियत देने के बजाय आपको ज़्यादा हरासमेंट किया गया है मुझे। तो एक बार मैं आपके माध्यम से एक बार मैं मैडम से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैडम जी कुछ हमारे लिए कुछ सोचो, खौफे खुदा खाओ, हमें अपने घर के अंदर जो अगर पोस्ट खाली है मेरे घर में,
मोहल्ला मस्जिद में इस वक्त भी मिडिल स्कूल में पोस्ट खाली है जहाँ मैं रहता हूँ, जामा मस्जिद के साथ, वहाँ इस वक्त भी पोस्ट खाली, उसके लिए भी मैंने इनको अप्लाई किया लेकिन तब भी मेरी ट्रांसफ़र नहीं हुई। कारण वही ABC? बस वही कारण ABC का मसला बना हुआ। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सवाल जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट पे लगते हैं कि क्यों नहीं इस तरह के लोगों के साथ जो है इंसाफ बरता जाता है, अगर ये डिसेबल हैं और कानून भी इनको हक देता है कि ये नियरेस्ट जो भी इनकी लोकेशन में जो भी डिपार्टमेंट इनका पड़ता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं तो स्कूल इनके पास पड़ा है, वैकेंसी वहाँ पे है, क्यों नहीं इनको वहाँ पे जो है वैकेंसी अवेलेबल करवाई जाती है और क्यों इनको अपनी जो वेजेस पाने के लिए भी जो है मतलब अपना हक तो पाना था इनको, लेकिन उस हक के लिए अगर इन्होंने दौड़ लगाई या दौड़ धूप की और ज़्यादा इनको हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आला अधिकारियों को जो देख रहे हैं उनको चाहिए कि इस तरह के जो डिसेबल पर्सन्स हैं कम से कम उनको तो देखा जाए, उनको तो उनका हक और इंसाफ जो है वो कम से कम ऐसे लोगों के साथ किया जाए। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ 10 इंडिया, मैं अरफाज मडैंग कैमरामैन शाहनवाज के साथ।